वेलकम फ्रेंड्स टू वन मोर सेशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट। आज के सेशन में हम कवर करेंगे यूनिट सी विच डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो आइए शुरू करते हैं पैरा 54.8 से। इट डील्स विद दोज नॉन रेसिडेंट्स हु आर एंगेज्ड इन अ शिपिंग बिजनेस। उसको लेकर एक्ट में दो प्रोविजन बताए हैं, एक है 44B और दूसरा है सेक्शन 172। जहां तक 44B का सवाल है, इट इज नथिंग बट ए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन लाइक 44AD। जैसे 44AD में हम क्या करते थे, एलिजिबल SSC को लेकर जो टर्नओवर है उसकी 8% इनकम हम निकाल लेते थे प्रिजम्प्टिव इनकम। ऐसा ही लिखा है 44B में। तो 44B कहती है नॉट विथ सेंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर 28 to 43A, यानी सेक्शन 28 से शुरू करके 43A उसको आप भूल जाओ, यानी पूरा बिजनेस हेड को आप भूल जाओ। किन लोगों के लिए? ऐसे नॉन रेसिडेंट के लिए, दोस्त हमारे एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस, और उनके लिए आप इनकम एस्टिमेट करो सम इक्वल टू 7.5% ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग में उन्होंने दो पॉइंट बताया, ए एंड बी, ध्यान दे ए एंड बी। नंबर ए क्या कहता है, अमाउंट विच इज पेड और पेएबल, वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वेदर इट इज पेड और पेएबल टू नॉन रेसिडेंट और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, यानी उसके एजेंट को चुकाया गया है। क्यों चुकाया गया है? ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स विच आर शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया। तो नंबर ए क्या कहता है, गुड्स पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल दे आर शिप्ड एट पोर्ट वेयर इन इंडिया। इसका मतलब उसका प्लेस ऑफ अक्रूअल कहां है, इंडिया में। अगर प्लेस ऑफ अक्रूअल इंडिया में है तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स लेगी, भले ही वो अमाउंट इंडिया में मिली हो या इंडिया के बाहर। ऐसा लिखा है उन्होंने, अमाउंट पेड वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो नंबर ए क्लियर हो गया, क्योंकि उसका प्लेस ऑफ अक्रूअल कहां है, इंडिया में है, तो उस कलेक्शन का 7.5% 44B में उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब नंबर बी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दे ए एंड बी है। नंबर बी बात करता है गुड्स शिप्ड एट पोर्ट आउटसाइड इंडिया को लेकर। तो जहां तक गुड्स पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल अगर वो शिफ्ट होते हैं आउटसाइड इंडिया, तो उनका प्लेस ऑफ अक्रूअल कहां है, आउटसाइड इंडिया है, तो नॉर्मली वो इंडिया में टैक्स नहीं होते हैं। लेकिन हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था, अगर उस फ्रेट की अमाउंट हमने इंडिया में रिसीव की है तो फिर इंडिया क्या करेगा, उसको टैक्स करेगा। एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। सेक्शन 5 का पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, कंचनजंगा सी फूड का जजमेंट। तो भले ही नंबर बी में प्लेस ऑफ अक्रूअल कहां है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो अमाउंट कहां रिसीव हो रही है, इंडिया में रिसीव हो रही है। इफ दैट इज द केस, तो उसके भी 7.5% करने हैं। अब आप सोचते होंगे सर गुड्स बाहर शिप हुए हैं तो उसकी फ्रेट इंडिया में कैसे कलेक्ट होगी, तो ये कहां कब होगा? आप याद करें दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं शिपिंग लाइन में, एक है FOB, दूसरा है CIF। मान ले आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट FOB है, तो फॉरेन सप्लायर क्या करेगा, उसकी फॉरेन पोर्ट पे गुड्स छोड़ देगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। तो उसका जो फॉरेन पोर्ट है वहां गुड्स छोड़ देगा और आपको बोल देगा गुड्स मेरे फॉरेन पोर्ट पे पड़े हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट FOB है, अब वहां से आप गुड्स मंगवा लो। फिर हम क्या करेंगे, इंडिया में बैठे बैठे शिपिंग कंपनी को कॉन्टेक्ट करेंगे, शिपिंग कंपनी वहां से गुड्स लेकर आएगी और यहां हम उसको क्या चुकाएंगे, फ्रेट चुकाएंगे। तो अब शिपिंग कंपनी रिसीव्ड फ्रेट वेयर इन इंडिया, थो गुड्स हैव शिप्ड एट पोर्ट वेयर आउटसाइड इंडिया, यू गॉट द पॉइंट। तो उसके भी 7.5% क्या हो जाएंगे, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे। इसको लेकर एक एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि जब भी आप ये 7.5% कैलकुलेट करें, वो अमाउंट के अंदर आप इन इन चीजों को इंक्लूड कर लें, डेबरेज चार्ज हैं या हैंडलिंग चार्ज हैं या ऐसे कोई सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, उसको भी अमाउंट के अंदर इंक्लूड करके बाद में 7.5% निकाल लें। ठीक है, आइए देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल जो मैंने आपके लिए लिखा है। जैसिका है वो नॉन रेसिडेंट है और 44B में इनकम रिपोर्ट करती है इंडिया को लेकर। अब वो चाहती हैं कि उनको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम करना है और उनको बिजनेस लॉस भी क्लेम करना है जो 44B में 7.5% इनकम निकाली उसके सामने। तो सवाल ये है कि क्या ये डेप्रिसिएशन अनएब्सॉर्ब्ड और ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉस क्या उसका वो सेट ऑफ ले पाएगी? तो आइए देखते हैं एक एक्सप्लेनेशन उसको लेकर।
पहले तो हमने क्या पढ़ा 44B में, उसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर, सेक्शन 28 से शुरू करके 43A के ऊपर। तो अगर वो 28 से 43A में फॉल हो रहा है आपका क्लेम डेप्रिसिएशन का या लॉस का, तो फिर आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर उसके बाहर फॉल हो रहा है तो आपको मिलेगा। तो आप मुझे बताइए अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2। तो किसके बीच में फॉल हो रही है, 28 से 43A के बीच में फॉल हो रही है, आंसर इज यस। अगर वो 28 से 43A के बीच में फॉल हो रही है देन इट इज डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, उसका आप अलग से क्लेम नहीं ले सकते हैं, इट इज डीम्ड टू बी अलाउड। आर यू गेटिंग, क्योंकि 44B की इसके ऊपर क्या है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ नहीं ले सकते हैं। जहां तक बिजनेस लॉस का सवाल है, इट इज गवर्न बाय विच सेक्शन, 72। 72 इज फॉलिंग बिटवीन 28 टू 43A, आंसर इज नो, इट इज नॉट फॉलिंग। इफ इट इज नॉट फॉलिंग देन यू कैन क्लेम व्हाट, सेट ऑफ, क्योंकि 28 के 43A के ऊपर ही ओवरराइडिंग इफेक्ट है, 44B की सेक्शन 72 पे ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। इसलिए आप क्या कर पाएंगे, ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस है उसको आप क्या कर पाएंगे, सेट ऑफ कर पाएंगे। तो व्हाट एडवाइस वी विल गिव टू जेसिका, जेसिका कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, सी कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ, बट सी कैन क्लेम व्हाट, ब्रॉडफोर्ड बिजनेस लॉस। ऐसा कहां बताया गया है, सर्कुलर नंबर 169 1975, मेरी बर्थ से पहले, तो ये बहुत पुराना सर्कुलर है। ये कहता है कि ये सिर्फ किसको ओवरराइड करते हैं, 28 से 43A को, इट डज नॉट ओवरराइड चैप्टर 6 यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, एज वेल एज डज नॉट ओवरराइड चैप्टर 6 से, यानी आप 80C टू 80U भी क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे, लॉसेस भी आप क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। लेकिन जहां तक अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का सवाल है, दैट यू कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ, क्योंकि वो कहां फॉल होता है, 32(2) में, और 32(2) मैंने आपको बताया इट विल बी कवर्ड विद इन व्हाट, सेक्शन 28 टू 43A। अब देखते हैं दूसरा सेक्शन, सेक्शन 172, बहुत लंबा सेक्शन है, यह भी शिपिंग बिजनेस को लेकर ही है, और मैंने पूरा डायरेक्ट आपके लिए लिखा है। क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सेल अप्लाई, यानी सेक्शन 172 ये कहती है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन सेल अप्लाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। आई एम सॉरी टू बी लाउडर, क्या कहता है, पूरे एक्ट के प्रोविजन को आप भूल जाओ, पूरे इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजन के ऊपर उसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, यानी इनकम टैक्स एक्ट में जो भी लिखा है उसको भूल जाओ, सिर्फ मुझे पढ़ो, यानी 44B को भी भूल जाओ, 44B को भी भूल जाओ 172 पढ़ते वक्त। चलो भाई भूल जाते हैं, क्या कहती है 172, देखें 172 ये कहती है, अगर कोई शिप है विच इज बिलोंगिंग टू नॉन रेसिडेंट और चार्टर्ड बाय नॉन रेसिडेंट, और वो कैरी कर रही है पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स शिप्ड एट पोर्ट वेयर इन इंडिया, देन लेवी एंड रिकवरी को लेकर आपको कौन सी सेक्शन पढ़नी है, अकेली 172 पढ़नी है। तो ठीक है हम पढ़ लेते हैं 172 क्या कहती है, देखें इट सेज कि जो भी आप अमाउंट इंडिया से लेंगे, किसको लेकर, पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड्स शिप्ड एट पोर्ट वेयर इन इंडिया, उस अमाउंट का 7.5% आपकी इनकम एसेस की जाएगी, दैट वुड बी डीम्ड टू बी योर इनकम एक्यूरिंग इन इंडिया, यानी सिमिलर टू 44B है प्राइमा फेसी, कि आप इंडिया से जो पैसेंजर लाइव स्टॉक गुड्स मेल उठाएंगे उसकी जो अमाउंट आपको मिल रही है उसका 7.5% आपकी क्या बन जाएगी, डीम टू बी द इनकम एक्रूइंग इन इंडिया। और ये अमाउंट को लेकर सेम एक्सप्लेनेशन है, इस अमाउंट इंक्लूड व्हाट, डैमरेज चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस और अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर, जैसे हमने 44B में देखा। ठीक है, नंबर टू हमें समझ में आ गया। नंबर थ्री क्या कहता है, बिफोर डिपार्चर फ्रॉम पोर्ट, यानी इंडिया छोड़ने से पहले मास्टर ऑफ शिप को
प्रिपेयर करना होगा और फर्निश करना होगा रिटर्न, किसको? एओ को. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. मान लो नॉन रेसिडेंट की शिप इंडिया में साल में 3 बार आई तो उसको 3 बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे सबसेक्शन 3 के अंतर्गत. और इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है 139 पे पर भी, यानी 139 भी यहां लागू नहीं होगी. इस सेक्शन में ही आपको क्या करना होगा? रिटर्न फाइल करना होगा बिफोर डिपार्चर, ठीक है. और उसके अंदर आपको क्या करना है? जो अमाउंट टैक्सेबल है वो दिखा देनी है और उसके ऊपर आपको टैक्स भी चुकाना है, ठीक है. अब ध्यान दे, कोई रीजन से आप उसको रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड मेक ए सेटिस्फेक्टरी अरेंजमेंट फॉर फाइलिंग रिटर्न. इफ इट फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द रिटर्न, नॉट एबल टू प्रिपेयर द रिटर्न बिफोर डिपार्चर, तो आप क्या करें? सेटिस्फेक्टरी अरेंजमेंट कर जाए कि आपके बदले कोई और पर्सन रिटर्न भरेगा. और अगर ऐसा रिटर्न आपने 30 दिन के अंदर भर दिया, कितने अंदर? 30 दिन के अंदर, देन इट इज डीम्ड दैट यू हैव मेड ए सफिशियंट कॉम्प्लायंस ऑफ दिस सेक्शन. इन शॉर्ट, आइडियली तो लॉ कहता है आपको बिफोर डिपार्चर क्या करना है? रिटर्न तैयार करना है. लेकिन मान लो कोई रीजन से आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या करें? आप किसी को सौंप कर जाए और यू शुड एंश्योर कि आपके जाने के 30 दिन के अंदर वो रिटर्न क्या हो जाना चाहिए? फाइल होना जाना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो सबसेक्शन 3 कहती है कि यू हैव कॉम्प्लाइड सफिशियंटली विद दिस सेक्शन. अब सवाल ये उठता है, सर आपने बता तो दिया इनकम कितनी है लेकिन टैक्स रेट कौन सा लगेगा? तो सबसेक्शन 4 कहती है इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा रेट एप्लीकेबल टू द टोटल इनकम ऑफ ए फॉरेन कंपनी. और आपको मालूम है फॉरेन कंपनी की बिजनेस इनकम कौन से रेट से टैक्स होती है? 40% से. यानी सबसेक्शन 4 ये कहती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है कितना? 40%. अब आपका रिटर्न गया एओ के पास, एओ उसका ऑर्डर पास करेगा और उसकी टाइम लिमिट है. टाइम लिमिट इज 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश. यानी जिस फाइनेंशियल में आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंत से 9 महीने के अंदर एओ क्या करेगा? आपकी इनकम तय करेगा और टैक्स पेबल तय करेगा. और उसके लिए ही मे कॉल फॉर अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स एज ही मे रिक्वायर, ऐसा लिखा है सबसेक्शन 5 में. अब आप सोचते हैं सर मैं उसको कॉम्प्लाई नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? क्या होगा? आप देखें, आपको पोर्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगी. पोर्ट क्लियरेंस विल नॉट बी ग्रांटेड बाय होम कलेक्टर ऑफ कस्टम और एनी ऑफिसर ऑथराइज अंडर द एक्ट. अंडर विच एक्ट? कस्टम एक्ट. और कस्टम एक्ट में भी ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है कि जब तक टैक्स नहीं चुकाया जाए, आई थिंक इट वॉज सेक्शन 42 ऑफ द कस्टम एक्ट, तो वहां लिखा है कि टैक्स नहीं चुकाया जाए तो उसको आप पोर्ट क्लियरेंस मत दो. तो आपको कलेक्टर ऑफ कस्टम से क्या लेना पड़ेगा? पोर्ट क्लियरेंस. और आपने ये अरेंजमेंट नहीं किया होगा, आपने टैक्स नहीं चुकाया होगा तो आपको पोर्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा है सबसेक्शन 6 में. इन शॉर्ट, यहां तक क्या समझा आपने? कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं, आपकी शिप इंडिया में आई या आपकी चार्टर की हुई शिप इंडिया में आई, तो इंडिया से गुड्स पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल जो उठाए उसकी जो अमाउंट है उसका 7.5% आपकी इनकम बनेगी और उसके पर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा. आप भले ही इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या आप कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सेक्शन की ओवरराइडिंग इफेक्ट है पूरे एक्ट को लेकर, इंक्लूडिंग व्हाट? 44B. और आपका रिटर्न फाइल करने के बाद आपका असेसमेंट होगा 9 महीने के अंदर, ठीक है. अब सबसेक्शन 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले मैं उसको पढ़ता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. पढ़े, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट ओनर फ्रॉम क्लेमिंग दैट माय इनकम एंड टैक्स पेएबल शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. यानी सबसेक्शन 7 क्या कहती है? भले ही पूरे साल आपको ये सेक्शन लागू होगी लेकिन बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आप चाहे तो आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं. अब ये क्लेम कैसे करेंगे? 139 का रिटर्न फाइल करके आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं दैट माय टोटल इनकम एंड माय टैक्स पेएबल शैल बी गवर्न बाय अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. ध्यान से पढ़े, बाय व्हाट अदर प्रोविजन? यानी अदर प्रोविजन क्या आएंगे कंप्यूटेशन को लेकर? 44B. और टैक्स पेबल के अदर प्रोविजन क्या आएंगे? इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगेगा, फर्म है तो 30% लगेगा. आर यू गेटिंग? तो आप अगर चाहें तो ऐसा आप क्लेम कर सकते हैं. कब? पहले फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने दो,
फाइनेंशियल के दौरान आप 40% टैक्स भरो जितनी बार आए उतनी बार, फिर साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइल करो 139(1) में और वहां आप क्लेम करो कि मुझे अदर प्रोविजन की बेनिफिट चाहिए। अगर आप ऐसा क्लेम करते हो, अगर आप ऐसा क्लेम करते हो तो आपने जो टैक्स दिया था 172 में, मान लो आप तीन बार आए तो तीन बार जो टैक्स दिया था वो जो टैक्स है दैट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स, दैट विल ट्रीटेड एज व्हाट एडवांस टैक्स। और अगर मान लो ये अमाउंट आपका ज्यादा बन रहा है 139(1) में तो आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड भी मिल जाएगा। इन शॉर्ट सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि पूरे साल, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, पूरे साल सेक्शन 172 लागू होगी, यानी पूरे साल आपको कुछ सोचना नहीं है। जितनी बार इंडिया आए उतनी बार रिटर्न तैयार करो, इनकम कैलकुलेट करो 7.5%, उसके ऊपर 40% से टैक्स दो और निकलो यहां से। फिर साल खत्म होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आई शुड बी गवर्न बाय 44B, क्योंकि यहां सारा गुड्स पैसेंजर शिप डेट पोर्ट का है इंडिया में, तो 44B में ऐसा क्लोज है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे 44B में जाना है आप जा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मुझे टैक्स रेट फॉरेन कंपनी वाला नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल हूं, मैं तो कौन हूं, पार्टनरशिप फर्म हूं, तो ओके आप 172(7) में ऑप्ट कर लीजिए सबसेक्शन 7 में। अगर आप ऑप्ट करेंगे तो सबसेक्शन 7 क्या कहती है, आपने जो टैक्स चुकाया था पूरे साल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो आपका क्या बन जाएगा, एडवांस टैक्स बन जाएगा, उसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। अगर आप रिफंड के हकदार होंगे तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो एक कंपैरिजन करते हैं कि सर कौन सी सेक्शन बेनिफिशियल होगी, फिर हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। दिस इज द यूनिक प्रैक्टिकल यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द बुक, कोई भी बुक में आप देखेंगे नॉर्मली विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल। तो देखें 44B वर्सेस सेक्शन 172। चलो 44B और सेक्शन 172, तो पहला है सेक्शन 172, तो उसका स्कोप क्या है, इट कवर्स ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर शिप्ड एट पोर्ट वेयर इन इंडिया ओनली। तो 172 में क्या लिखा है, सिर्फ शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया, जबकि 44B में क्या लिखा है, दोनों लिखा है शिप्ड एट पोर्ट इन इंडिया एज वेल एज व्हाट आउटसाइड इंडिया। फिर नंबर दो, 172 की ओवरराइडिंग इफेक्ट है पूरे एक्ट के ऊपर, पूरे एक्ट के ऊपर, जबकि ये किसके ऊपर है, सिर्फ बिजनेस हेड को लेकर ही है। चलो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा 172 में, नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे एक्ट पे ओवरराइडिंग इफेक्ट है। यहां क्या होगा, यहां आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। क्या मैं 80C to 80U ले पाऊंगा 172 के दौरान, आंसर इज नो, क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट है पूरे एक्ट को लेकर। लेकिन 44B में क्या होगा, आप बेनिफिट ले पाएंगे। टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगी, यहां टैक्स लायबिलिटी 172 में क्या रहेगी, रेट एप्लीकेबल टू विच कंपनी, फॉरेन कंपनी, जबकि 44B में क्या रहेगी, रेट एप्लीकेबल टू होम, नॉन रेसिडेंट। यू गॉट द पॉइंट, तो ये क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, बट ऑब्वियस ये तीन पॉइंट जो लास्ट हैं, ये लास्ट जो तीन पॉइंट है 44B के, वो सबसे बेनिफिशियल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना चाहिए, पूरे साल 172 फॉलो करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो पूरे साल 172 फॉलो करो और साल के अंत में क्या कर लो, रिटर्न फाइल करो 139(1) में और वहां कहां चले जाओ, 44B में चले जाओ। तो आइए देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सम। हमारे टॉम है जो है नॉन रेसिडेंट और शिपिंग बिजनेस में है और वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं शिपिंग ऑपरेशन ऑफ ए प्रीवियस ईयर। ध्यान से देखें, कंडला पोर्ट है, वहां से उनका फ्रेट कलेक्शन आया 49.40 और डैमेज हैंडलिंग चार्जेस हैं 0.60। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम 7.5% कैलकुलेट करेंगे इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी टोटल कितना होगा यहां 50, ठीक है। उसी तरह ये कंडला पोर्ट है यानी पोर्ट इन वेयर इंडिया, उसी तरह दूसरा है बॉम्बे पोर्ट दैट इज ऑल्सो वेयर इन इंडिया, उसको लेकर है 24.75 प्लस 0.25, तो यहां है 25 लाख। फिर कोलंबो है, गुड शिप्ड एट पोर्ट वेयर आउटसाइड इंडिया, लेकिन ध्यान दे वो फ्रेट रिसीव कहां हुआ है, इंडिया में। अगर वो इंडिया में रिसीव हुआ है तो क्या होगा,
इट इज टैक्सेबल. सेक्शन 5 क्या कहती है, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. तो ये भी कहाँ टैक्स होगी, इंडिया में टैक्स होगी. और वो अमाउंट बन रही है आप जोड़ दें तो 10.70. ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखें. जहां तक कंडला पोर्ट का सवाल है और बॉम्बे पोर्ट, ये दोनों कौन सी सेक्शन में गवर्न हो रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, सेक्शन 172 में. कौन सी सेक्शन में, 172. हर वक्त पोर्ट छोड़ते वक्त क्या करना होगा, 7.5% एस्टिमेट करो, 40% टैक्स दो. तो मैं 7.5% एस्टिमेट कर रहा हूं इनकी इनकम, सेक्शन कौन सी 172 के अंतर्गत. ध्यान से देखें तो इन ये अपना कंडला पोर्ट था उसकी 50 लाख थी और बॉम्बे पोर्ट कितना है 25 लाख. उसका आप एस्टिमेट करेंगे तो इनकम कितनी बन रही है 562,500. अगर आप 7.5% निकालें 75 लाख के तो कितना बनेगा 562,500. अब ये आपको इंडिया छोड़ने से पहले टैक्स देना है कितना 40%. तो 40% आप निकालो उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाओ तो आपका टैक्स पेबल कितना बन रहा है 2,34,000. दिस यू हैव एक्चुअली पेड बिफोर डिपार्चर. आर यू गेटिंग, दिस यू हैव एक्चुअली पेड. अब क्या होगा, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद हमने देखा कौन सा सेक्शन बेनिफिशियल है, 44B. इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्शन 172 सबसेक्शन 7 में जब हम 139(1) का रिटर्न फाइल करेंगे तब हम क्या करेंगे, मिस्टर टॉम को एडवाइस करेंगे कि हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अदर प्रोविजन में चले जाएं. व्हाई, बिकॉज दे आर ऑलवेज व्हाट, बेनिफिशियल. और अगर आप अदर प्रोविजन में चले जाओगे तो आपने जो ये 234 टैक्स भरा है वो आपका क्या बन जाएगा, एडवांस टैक्स बन जाएगा. 234 आपका क्या बन जाएगा, एडवांस टैक्स. तो ठीक है चलो, तो हम कंप्यूटेशन करते हैं टॉम का 44B के अंदर. 44B पहला है 7.5% ऑफ गुड्स शिप्ड एट पोर्ट वेयर इन इंडिया, वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 562,500. और दूसरा है 7.5% ऑफ गुड्स शिप्ड एट कोलंबो, क्योंकि उसकी इनकम फ्रेट कलेक्ट कहाँ हुआ है, इंडिया में, तो उसका 7.5% भी हमें लेना पड़ेगा. और कितनी थी, 10,70,000. उसका 7.5% करो आप तो अमाउंट बनती है 80,250. तो यानी टॉम की इनकम बन गई 642,750. अब ध्यान दे क्वेश्चन में, टॉम ने पहले कुछ इंडिया में बिजनेस किया था, उसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ट्रेडिंग बिजनेस किया था जो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया. या आया था टॉम खुशी खुशी बिजनेस शुरू किया लेकिन वो कर नहीं पाया, फिर उसने देखा कि मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शिपिंग का काम ही करना है, इंडिया में बिजनेस करना बहुत टफ काम है. तो उसका एक पुराना लॉस था जो एलिजिबल है सेट ऑफ को लेकर. तो क्या वो सेट ऑफ ले पाएगा, अब सेट ऑफ ले पाएगा क्योंकि ही हैज डिसाइडेड टू बी गवर्न बाय व्हाट, अदर प्रोविजन. तो अब वो 44B में है तो वो सेट ऑफ ले पाएगा. तो सेट ऑफ लेंगे हम कितना, 195 का. तो टॉम की इनकम बनेगी कितनी, 447,750. ठीक है, अब उसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 447,750. टॉम इंडिविजुअल है इसलिए स्लैब रेट लगेगा 5%. तो कितना अमाउंट बनेगा, 98,888. उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए तो बनेगा 396. तो उसका टैक्स पेबल बनेगा 10,284. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर 87 का रिबेट तो दो, 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट मिलता है सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को. तो ये कौन है, नॉन रेसिडेंट है इंडिविजुअल, इसलिए वो रिबेट 87 क्लेम नहीं कर पाएंगे. तो उनका टैक्स कितना बना, 10,284. और उन्होंने जो 172 में टैक्स दिया था कितना दिया था, 234, वो क्या बन जाएगा, एडवांस टैक्स. और उसकी क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी. तो फाइनली वो किसके हकदार हो जाएंगे, रिफंड के हकदार हो जाएंगे. तो उनका रिफंड कितना बन रहा है, 2,23,720. क्लियर. अब उसको लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग सीबीटी का सर्कुलर है. सीबीटी का सर्कुलर ये कहता है कि जब भी आप 172 सबसेक्शन 7 ऑप्ट करोगे, जब भी आप 172 सबसेक्शन 7 ऑप्ट करोगे, ठीक है, यानी आप पहले 40% टैक्स दे दिए, फिर बाद में आपने क्या किया, अदर प्रोविजन में आपने टैक्स कैलकुलेशन किया, तो ध्यान दे अगर उस टाइम पे आपका कोई टैक्स पेएबल बना, नॉर्मली तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ टैक्स 40% से कट होता है, लेकिन मान लो टॉम की कोई दूसरी इनकम हुई और कोई टैक्स पेएबल बना, तो उनका कहना है हम 234 बी और सी चार्ज करेंगे.
तो अगर नॉन रेसिडेंट का कोई टैक्स पेबल बन रहा है और एडवांस टैक्स ठीक ठीक नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 234B और C। 234B क्यों लगाया जाता है, नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स को लेकर, और 234C क्यों लगाया जाता है, डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स जो 4 हफ्ते आपको देने होते हैं। तो सर्कुलर क्लैरिफाई करता है 2001 का कि आप अगर 172 सबसेक्शन 7 में जा रहे हैं तो फिर आपका अगर एडवांस टैक्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आया तो फिर आपको क्या करना होगा, 234B और 234C देना होगा, ठीक है। और साथ साथ अगर आप रिफंड के हकदार हुए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड के ऊपर 244A के अंतर्गत। इन शॉर्ट हम ब्याज वसूलेंगे और हम ब्याज देंगे, ऐसा सिबिल्टी का सर्कुलर है नाउ 2001 का। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग इश्यू है, क्या हमें TDS काटना है, मान लो मेरा कोई एक्सपोर्ट हो रहा है और मेरा फ्रेट चार्जेस में चुका रहा हूं ये नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी को, क्या उसका मैं TDS काटूं। अब नॉन रेसिडेंट तो नॉर्मली हम TDS काटते हैं कौन सी सेक्शन में, 195 में, और मान लो उसका एजेंट है इंडिया में जो नॉर्मली रेसिडेंट है तो हम काटेंगे 194C में। तो सवाल ये उठता है कि हम TDS काटें या ना काटें, तो आइडियली आंसर इज नो। व्हाई, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर विच सेक्शन इज इन ऑपरेशन, 172, और 172 क्या कहती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी पूरे प्रोविजन इस एक्ट के हैं वो तेल पीने जाए, उसको मैं ओवरराइड करती हूं, उसको ना पढ़े, उसको ना पढ़े, इसका मतलब सेक्शन 194C को भी ना पढ़े, 195 को भी ना पढ़े, इसका मतलब आप TDS ना काटें। ऐसा ही सिबिल्टी ने लिखा है 1995 में कि जहां 172 अप्लाई होती है उसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इसलिए 195 एंड 194C आर नॉट एप्लीकेबल एंड देयरफॉर टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेदर यू आर मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट और इट्स एजेंट इन इंडिया। तो समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, हमने 44B देखा, हमने 172 देखा, हमने 234B 234C देखा, हमने ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 194C देखा, 195 देखा। इस तरह हमें नॉन रेसिडेंट की सही अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, हम अगले सेशन में देखेंगे बाकी के प्रेजेंटिव इनकम और इस यूनिट को खत्म करेंगे। थैंक यू।